मैं नींद में हूँ फिर भी मुझे फील होता था कि कोई मुझे इतनी गंदी नजरों से घूर रहा है। इसको कोई घूर रहा बहुत गंदी नजरों से। तो मेरे को हर आते जाते रास्ते में दिखता थे, वो आदमी इसको फॉलो तो करने लग गया। ऊपर का तो कुछ नहीं पहन रहा था, नीचे अंडरवेयर पहन रखा था, उसने ऊपर से कुछ नहीं डाला हुआ था, उसने सिर्फ निकर डाली है। अपना अंडर गार्मेंट जो भी पहन रखा था वो उतारा और अब गंदी सूंघने लग गए। हमारे अनकही शो में लोग अपनी वो कहानियां बता रहे हैं जो उन्होंने आज तक कभी किसी से नहीं कही। तो भैया ये तब की बात है जब मेरी उम्र रही होगी 12 साल। दोस्त, माता पिता, परिवार, किसी से नहीं। वो कहानियां जो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। आज की जो स्टोरी है वो दिल्ली की है, रूही की। नाम जो रियल है वैसे तो वो भी बता देता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी आइडेंटिटी को वैसे छुपाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो स्टोरी शेयर की है ना उससे सीख ही मिलने वाली है सभी को, कुछ गलत नहीं हुआ है ना किया है कुछ। तो रूही दिल्ली की एक सोसाइटी में रहती है और रूही 12 साल की 8वीं क्लास में पढ़ती है। इसकी ना एक हैबिट है कि रोज़ सुबह उठकर ये अपने घर के बाहर बालकनी में बैठती है फ्रेश एयर के लिए। हर किसी की अपनी हैबिट होती है ना, कोई योगा करता है कुछ, तो ये अपनी बालकनी में जाके बैठती थी। अब रूही वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी देर बैठती थी ना, तो इसको ना बड़ा अजीब सा फील होता था। मतलब ये जितनी देर वहाँ बैठे ना, इसको ऐसे ऐसे लड़कियों में होता होगा भाई कि इसको ना इंट्यूशन बोलते हैं क्या, वो आने लगती थी कि इसको कोई घूर रहा बहुत गंदी नजरों से। लाइक हमारे घर के ना बिल्कुल बाहर ही गेट के पास ऐप बना हुआ था, तो उस पे मैं बैठ जाती थी क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रेश एयर वगैरह, क्योंकि घर में वैसे ही होता है, तो मैं वहां पे बैठती थी। तो मैं नींद में ही होती थी, बट आप ये देखिए कि मैं नींद में हूँ फिर भी मुझे फील होता था कि कोई मुझे इतनी गंदी नजरों से घूर रहा है। ये काफी टाइम तक चला, 1-2 हफ्ते। उसके बाद ना इसने रियलाइज़ किया कि इसको ऐसा लगता क्यों है। तो इसकी सोसाइटी में ना एक गार्ड था जो कि ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ करता था। तो वो जो गार्ड था ना, इसने नोटिस किया कि वो इसको कॉन्टीन्यूसली घूरता था। एक 12 साल की लड़की, 8वीं क्लास की, ये बस अपनी बालकनी में बैठी हुई है और वो इसको कॉन्टीन्यूसली घूरता रहता था गाड़ी साफ़ करते करते। और उसके बाद जब आधा पौना घंटा वो बस घूरे जा रहा है क्योंकि ये बैठी हुई है, उसके बाद वो जो दूसरी गाड़ी पे भी जाता था ना तो भी वो वही गाड़ी चूज़ करता था साफ़ करने के लिए सोसाइटी की, जहाँ से ये दिख रही हो, और वो कंटिन्यूअसली उसको ताड़ता रहता था। बट फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि क्यों हो रहा है। फिर मैंने देखा कि मेरे बराबर नेबर्स की जो कार साफ करते थे हमारे कॉलोनी के गार्ड अंकल, हाँ जी, तो वो लाइक वो मेरे को बहुत गंदी इंटेंशन से घूरते थे। और ये कितना अनकंफर्टेबल हो रही होगी, 8वीं क्लास की लड़की, सोसाइटी का ही गार्ड है। ये काफ़ी टाइम तक चलती रही चीज़, ठीक है, इसके साथ होती रही। इसने अपने मॉम डैड किसी को नहीं बताया, जो कि बताना चाहिए था, बट इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो डर रहता है कि बताऊंगी तो फिर पता नहीं उसके साथ क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो इग्नोरेंस एक सबसे ईजी स्केप होता है, हर कोई उसी को चूज़ करता है, तो इसने नहीं बताया। अब क्या हुआ कि ये चीज़ बढ़ती गई। बढ़ती कैसे गई, अब जब ये बाहर जा रही है ना, पार्क में खेल रही है, कहीं भी खेल रही है, तो वो आदमी इसको फॉलो तक करने लग गया। और वो इतना क्रीप है, इतना बड़े लेवल का क्रीप है कि वो और किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी और लड़की को नहीं, स्पेशली इसी को। सोसाइटी के लोगों को लगता था कि वो जो गार्ड है वो पागल वागल है, तो इसीलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता था कि हाँ चलो पागल वागल है तो इसीलिए उस पर कोई क्या ध्यान देना। बट रूही को पता था कि वो पागल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जब रूही अकेले जाती थी ना कभी भी उसके सामने से तो वो घूरता रहेगा, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ या किसी बड़े के साथ जा रही होती थी तब वो बिल्कुल नहीं घूरेगा, तब वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह चला जाएगा। तो इसका मतलब उसके इंटेंशन गलत थे इसको लेकर, और सिर्फ इसको लेकर, क्योंकि रूही ने अपनी फ्रेंड से भी पूछा था कि तेरे को भी ये वियर्ड लगता है क्या, तेरे को भी घूरता है, तो उसने कहा नहीं। जब भी मेरे साथ मेरे बाबा होते थे या मम्मी होते थे तब वो ये सब चीजें नहीं करते थे, जब मैं अकेले कहीं से लाइक आती जाती थी तब वो ऐसे मेरे को घूरते थे। अच्छा, इतनी समझ थी अंकल को कि जब मम्मी पापा या किसी के साथ हो तुम बड़े के साथ तो नहीं हो कर रहा है हरकतें, बट अकेले में कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि रूही ने उस टाइम पर तो इग्नोर कर दिया चीज़ और अपने घर वालों को नहीं बताया, बट बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, ये बढ़ गई आगे चल के। बट ऐसे गई कि ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया, एंड एक दिन रूही के घर वालों ने सुबह सुबह रूही को 8 बजे के अराउंड ऐसे नीचे जाकर अपनी सोसाइटी के पास जो मार्केट होती है वहाँ से सामान लाने को बोला। तो स्टेशनरी की दुकान थी, बेकरी की दुकान थी, रनिंग रोड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये जब वहाँ गई तो इसने देखा कि सामने पर थोड़ी दूरी पर एक कॉर्नर पर वही गार्ड खड़ा है। ये थोड़ा डर गई, ऑफ कोर्स एक लड़की को कोई ऐसे क्रीप की तरह देखेगा तो लड़कियां डर तो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, थी भी बच्ची।
तो वो आदमी इसको घूर रहा है। चलती फिरती सड़क है, ऐसा भी नहीं है कि अकेला है सुनसान एरिया, नहीं। अब ये डर तो रही है और उसने क्या करा, इसकी तरफ आना चालू कर दिया। अब यहाँ से ये बिना सामान लिए सोसाइटी के गेट की तरफ चलेगी। वो आदमी अभी भी इसके पास आ रहा है और इससे थोड़ी सी दूरी पर उसने क्या किया, उसने कपड़े नहीं डाले हुए थे, उसने ऊपर से कुछ नहीं डाला हुआ था, उसने सिर्फ निक्कर डाली हुई थी, उसने वो भी रिमूव कर दी। तो सुबह का टाइम था, मैं गई तो मैं जैसे ही जा रही थी तो मैंने गेट पे देखा कि वो अंकल ना लाइक उन्होंने ऊपर का तो कुछ नहीं पहन रखा था, नीचे अंडरवेयर पहन रखा था। पहले मेरे को लगा कहीं और जा रहा है, फिर वो मेरे सोसाइटी के गेट के बिल्कुल सामने आ गए। मैं थोड़ा पीछे हो गई गेट से कि ये शायद निकलेंगे कहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपना अंडरगार्मेंट जो भी पहन रखा था वो उतारा और गंदी संदी हरकतें करने लग गए, अजीब सी हरकतें करने लग गया। तुम समझ लो क्या करने लग गया था वो, इसको देखकर इसके सामने और उल्टा सीधा बोलने भी लगा था कि ये कर ले मेरे साथ वो कर। अब यहाँ से तो वो घर चलेगी और यहाँ पर रूही की फिर से वही मिस्टेक थी कि इसने ये इंसिडेंट होने के बाद भी किसी को नहीं बताया। हालांकि रियल लाइफ में वो मूवी तो चल नहीं रही है कि तुम समझ रहे हो कि सही टाइम पर सही स्टेप ले लिया जाएगा, नहीं, रियलिटी में ऐसा ही होता है। तुम आओ, मैं हूँ, कोई भी लड़की हो, हम इजी स्केप ही ढूंढते हैं कि इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उसने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। और यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि उसी सोसाइटी का एक अंकल खड़ा था सामने और वो देख रहा था ये सब कुछ, गार्ड ऐसी हरकतें कर रहा है और उस बच्ची के साथ, लेकिन उसने भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करी कि रोक लूँ कुछ नहीं। जब तक अपनी बेटी के साथ या अपना कुछ नहीं है तब तक कोई किसी के फट्टे में टांग भी नहीं अड़ा रहा है। यहाँ से रूही ने इसको भी इग्नोर किया और घर चले गई और वो गार्ड अभी भी बाहर घूम रहा है, मज़े कर रहा है, सब कुछ। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तुम समझ रहे हो। ये हमेशा के लिए ट्रॉमा तो मिल गया रूही को। अब वो क्या कर रही थी कि इतना डर गई थी, घर गई, सो गई, किसी को कुछ नहीं बता रही, सहम गई अंदर से। और उसके बाद से पता नहीं कितने महीनों तक तो वो अब कहीं भी जा रही थी तो अपने पापा को साथ ही लेकर जा रही थी, अपने बाबा को, कहीं भी जा रही है, मार्केट जाना है, नीचे तक जाना है, थोड़ा बहुत हर जगह। उसके पापा में पूछने लगे उससे कि क्या हो गया भाई, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, वो कुछ भी नहीं बता रही है, क्या बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो गार्ड वैसा का वैसा घूम रहा है। उसी चक्कर में मैंने फिर मतलब मैं कहीं पर भी जाती थी अपने बाबा को साथ में लेकर जाती थी, मेरे बाबा मेरे साथ हमेशा जाते थे। तुम्हें बताना चाहिए, डेली भी जा रही हूँ या आसपास कहीं भी जा रही हूँ ना, मैं बाबा को साथ में लेके जाती थी। बाबा भी कभी पूछते थे कि पास में तो जा रही है, खुद ले आ, जैसे बोलते हैं ना। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीतता गया। उसके बाद वो गार्ड उस सोसाइटी को छोड़कर कहीं और चला गया। अब एक टाइम था जब रूही स्कूल से छुट्टी हुई और बाहर आती है और उसके फादर साहब उसका वेट कर रहे होते हैं, और कई टाइम बाद वो गार्ड वहीं दिखा उसको स्कूल के बाहर सामने से उसको घूरता हुआ। रूही ने उसको देखा, फिर से डर गई, सामने पापा थे, बहुत इतनी सारी लड़कियां गई थी सामने से स्कूल की छुट्टी हुई है, तो उसने किसी को देख के कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। रूही को देख के उसने वहाँ पर भी उल्टा सीधा चालू कर दिया हरकतें, नीचे वही कच्छा पहना हुआ था, फिर साइड में बैठ के वही हरकतें करनी चालू, रनिंग सड़क, कोई उसको रोक भी नहीं रहा, सबको लग रहा पागल है। जब छुट्टी होने के बाद जब मैं आ रही थी तो मैंने फिर से उन अंकल को देखा, एक उस हॉस्पिटल के सामने वो खड़े थे। आई डोंट नो वो पहले से नेकेड थे या क्या था, बट मैंने जब देखा वो नेकेड थे और वो ही सेम हरकतें दोबारा से कर रहे थे। हालांकि उस पर बहुत सारी बहुत सारे लोग जा रहे थे, किसी ने कुछ नहीं रोका, कोई किसी ने कुछ बोला भी नहीं, और भी लड़कियां थी उन्होंने मतलब उनको देख के उसने नहीं किया, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत सारी लड़कियां वगैरह सब जा चुकी थी तो ऐसा कुछ किया नहीं था उन्होंने, मेरे को ही देख के किया था। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, कोई आदमी ऐसे बीच सड़क पर दारू वारू पी कर भी ऐसी हरकतें करता है तो सब इग्नोर ही करते कि पागल है, बट इसको पता था वो पागल नहीं है क्योंकि वो किसी लड़की को देखकर नहीं कर रहा, सिर्फ इसको देखकर कर रहा है। अपने पापा को बताया और वहाँ से चले गई। उसके बाद से अभी तक तो उसको नहीं मिला ये कभी, बट ये है कि इसकी दिल पे एक ये चीज़ तो लग गई है, डरी डरी घूमेगी अब हमेशा, पापा के बिना कहीं जा नहीं रही है कि कब कौन कहाँ कैसा मिल जाएगा, क्योंकि है भी तो 8वीं क्लास की 12 साल की बच्ची। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ कभी होना तो अपनी फैमिली को बता दो, उस गार्ड को सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुम कभी अकेले में आ रही होती कहीं से, तुम्हारी फ्रेंड, रात का टाइम होता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे इजीली जाने देता, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करता फॉर श्योर, उसके इंटेंशंस तुम्हें पता लग ही चुके हैं। तो जहाँ तुमने इग्नोर कर दी चीज़ें, इसका मतलब तुम आगे कुछ बड़े के लिए उसको प्रिपेयर कर रही हो कि हाँ भैया आज तो छोटी चीज़ थी, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रही, अगली बार वो कुछ बड़ा करेगा तुम्हारे साथ। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना तो तुम्हें पता क्या करना है, घर वालों को बताओ।
बड़ों को बताओ और ऐसी सिचुएशन से निकलो, तुम्हारे सोसाइटी में ऐसा कोई तुम्हें काम करता हुआ दिखता ना आदमी या बाहर पब्लिक में, तो भैया आवाज़ उठाओ, क्या कर रहे हो सालों, तुम्हारे घर पे नहीं आएगी जब तक बातचीत, तब तक चूते की तरफ देखते रहोगे क्या? उसकी 12 साल की लड़की के साथ कुछ हो रहा है, वो सोसाइटी में अंकल खड़ा है, वो देखे जा रहा है, चूते का पट्ठा बेवकूफ। एनीवेज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्टोरी है जो तुम्हारे दिल को खा रही है अंदर ही अंदर, तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी हो सकती है भाई, वो मैं ओपन हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बैठा है इधर अपने काम धंधे छोड़ के, क्या टेंशन है, बाकी काम भी करते हैं ये भी करते हैं, वो तो मज़ा बड़ा आता है, अपने यार दोस्तों की बातें सुन सकता हूँ, तुम्हारी नहीं सुन सकता क्या? मुझे तो अच्छा लगता है भाई बातें बातें करना, तो इसीलिए करता हूँ। बाकी मेल आईडी तुम्हें नीचे मिल जाएगी दबोमोला शो, वहाँ पर तुम अपनी मेल करो मुझे, एंड ध्यान रखो अपना अपना गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड अगर तुम्हें ये हुडी चाहिए, एक सेकंड पीछे से भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी हुडीज़ और टी शर्ट्स ओवरसाइज जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, मेरा खुद का ब्रांड है लफंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम सामान भी खरीद सकते हो।